हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का चैप्टर 11 क्यूरियस टाउन, जो कि एक पोएम है जिसे लिखा है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने, ठीक है, इसे पढ़ेंगे। इसमें द पोएट रीचेज ए टाउन वेयर एवरीथिंग इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है ना, यानी कि इमेजिनेशन जो हम कर सकते हैं उससे भी परे है इसमें जो कि लिखा गया है। इसमें इस चीज़ को दर्शाया गया है, इस चीज़ को दिखाया गया है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हम उसका इंजॉय करना चाहिए, उसी में हमें एंजॉय करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए, आई हैव अराइव्ड एट क्यूरियस टाउन विच इज़ पेंटेड विद क्यूरियस ह्यूज एंड देयर द किटन बार्क्स एंड बार्क्स द पपी म्यूज एंड म्यूज, ठीक है। अराइव्ड मीन्स हो गया पहुंच जाना कहीं पर, क्यूरियस टाउन यानी कि एक अजीब शहर। क्यूरियस ह्यूज यहाँ पर जो वर्ड आया है, ठीक है ना, क्यूरियस ह्यूज मतलब अजीबो गरीब रंग से, और पेंटेड यानी कि चित्रित किया हुआ, ठीक है, या बना हुआ। एंड द किटन यानी कि बिल्ली के बच्चे होते हैं, बार्क्स एंड बार्क्स यानी कि भौंकना, एंड पपीज़ यानी कि जो बच्चे होते हैं कुत्ते के, एंड म्यूज यानी कि बिल्ली की आवाज़। तो देखिए, आई हैव अराइव्ड एट क्यूरियस टाउन विच इज़ पेंटेड विद क्यूरियस ह्यूज एंड देयर इज द किटन बार्क्स एंड बार्क्स द पपी म्यूज एंड म्यूज, यानी कि मैं एक ऐसे शहर में आ चुका हूँ, आ गया हूँ, विच इज़ पेंटेड विद क्यूरियस ह्यूज, जहाँ पर मैं एक अजीबो गरीब शहर में आ गया हूँ, ठीक है, अजीबो गरीब शहर में आ गया हूँ, जहाँ पर क्या है, अजीबो गरीब कलर हैं, अजीबो गरीब रंग जहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एंड देयर द किटन बार्क्स एंड बार्क्स, और यहाँ पर जो बिल्ली हैं वो भौंक रही हैं, भौंकती हैं, द पपीज़ म्यूज एंड म्यूज, और जो पपीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, एंड देयर द फ्रॉग क्लाइम्स अप ए ट्री एंड क्रॉक्स इन ए क्यूरियस वे प्रिपेयर फॉर ए शॉवर ऑफ पेल्टिंग आइस इट इज़ गोइंग टू हेल टूडे, ठीक है, यानी कि एंड देयर द फ्रॉग्स क्लाइम्स अप ए ट्री, यानी कि क्लाइम्स अप मीन्स होता है ऊपर चढ़ना, ए ट्री यानी कि पेड़ पर, एंड क्रॉक्स इन ए क्यूरियस वे, क्रॉक्स मतलब होती है एक अजीब सी आवाज़, ठीक है ना, अजीब सी आवाज़ अजीब तरीके से, और प्रिपेयर यानी कि तैयार होना, फॉर ए शॉवर यानी कि नहाने के लिए, और पेल्टिंग यानी कि बहुत भारी मात्रा में कोई चीज़ गिरना, यानी कि आइस बर्फ़ के टुकड़े, इट इज़ गोइंग टू हेल टुडे, यानी कि आज बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि होने वाली है। तो हम इसे एक बार दोबारा पढ़ते हैं, एंड देयर द फ्रॉग क्लाइम्स अप ए ट्री एंड क्रॉक्स इन ए क्यूरियस वे प्रिपेयर फॉर ए शॉवर ऑफ पेल्टिंग आइस इट इज़ गोइंग टू हेल टुडे, यानी कि एक मेंढक है कोई, वो पेड़ पर चढ़ रहा है, ठीक है ना, एंड क्रॉक्स इन ए क्यूरियस वे, और अजीब सी आवाज़ में, ठीक है ना, अजीब तरीके से अजीब सी आवाज़ में वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है, प्रिपेयर फॉर ए शॉवर ऑफ पेल्टिंग आइस, ठीक है ना, यानी कि नहाने के लिए तैयार हो जाओ बर्फ़ के टुकड़ों में, भारी मात्रा में जो गिरने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू हेल टुडे, आज दोबारा से ओलावृष्टि होने जा रही है। एंड देयर द रिवर फ्लोज विद फायर, और देखिए यहाँ पर कितनी अजीब बात है, एंड देयर द रिवर फ्लोज विद फायर द वोल्केनो इज़ पैक्ड विद ड्यू द ह्यूज ऑफ द रेनबो आर मोर देन 7 एंड द डेज इन द वीक आर 2, यानी कि जो नदी है, नदी से क्या आग बह रही है, एंड द रिवर फ्लोज विद फायर, यानी नदी में से आग बह रही है, द वोल्केनो इज़ पैक्ड विद ड्यू, और जो ज्वालामुखी है वो किससे पैक है, उसकी बूंदों से पैक है, द ह्यूज ऑफ द रेनबो, और जो रेनबो के जो कलर हैं आर मोर देन 7, वो 7 से ज़्यादा हैं, यानी कि रेनबो में कलर होते हैं 7, ठीक है ना, लेकिन इससे भी ज़्यादा कलर हैं रेनबो में, एंड द डेज इन द वीक आर 2, और जो दिन के सप्ताह के जो दिन होते हैं 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पर अजीबो गरीब शहर में सिर्फ 2 ही दिन हैं, एंड द डेज इन द वीक आर 2, एंड देयर यू कैन सी ए मोस्ट क्यूरियस साइट विच कैन मेक ए डेड क्रो रोर द एसेस हु रोम हैव ओनली 2 लेग्स वाइल द मैन हु वॉक हैव 4, यानी कि इसमें कहा गया है, एंड देयर यू कैन सी ए मोस्ट क्यूरियस साइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अजीब नज़ारा है, विच कैन मेक ए डेड क्रो रोर, ठीक है ना, यहाँ पर एक मरा हुआ कौवा दहाड़ रहा है, जैसे कि दहाड़ते कौन है, शेर दहाड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मरा हुआ कौवा दहाड़ रहा है, द एसेज हु रोम हैव ओनली 2 लेग्स, और एक गधा है, ठीक है ना, गधे जो हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, ओनली 2 लेग्स, अपने दोनों पैरों पर, वाइल द मैन हु वॉक, जबकि जो आदमी है वो चल रहा है, कितने हैव 4, यानी कि 4 टांगों पर वो चल रहा है, आई हैव अराइव्ड एट क्यूरियस टाउन, मैं इस अजीब शहर में आ गया हूँ, विच इज़ मार्क्ड विद क्यूरियस मार्क्स,
जिसमें अजीबोगरीब जो हैं निशान लगे हुए हैं, अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं, एंड देयर द पपीज म्यूज एंड म्यूज, और जहाँ पर जो पपी हैं वो म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, एंड द किटन बार्क्स एंड बार्क्स, और जो बिल्ली हैं वो भौंक रही हैं। ठीक है, तो इसके साथ में जो हमारी ये पोएम है ये कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है वो आप सभी को एक बार रिवाइज करनी है। ये इसकी हो गई वर्ड मीनिंग, लेसन 11 पोएम क्यूरियस टाउन, ये इसकी वर्ड मीनिंग हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो इसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज जो बच गई है उसे हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।